नमस्ते, आजनी पांच कामनी माहिती पर नजर करिए तो सौथी पहला लर्निंग लाइसेंस की मान्यता है ये 31 मार्च 2022 रोज पूर्ण थवानी हती, जेनी अंदर 2 महीना वधारो करवामां आव्यो हतो अने हवे लर्निंग लाइसेंस है ये मित्रों 31 मे 2022 सुधी मान्य रहेशे। दिल्ली ना परिवहन मंत्री कैलाश गोहलते आ अंगे माहिती आपी हती। त्यार पछीनी अपडेट पर जाइए तो सस्ता अनाजनी गमे ते दुकाने उपरथी अनाज मेळववा माटे रेशन कार्ड ने आधार कार्ड साथे लिंक करावू फरजियात छे अने ए लिंक करवानी छेल्ली तारीख छे मित्रों 31 मार्च हती, जेने पण हवे वधारवामां आवी छे अने 30 जून 2022 करवामां आवी छे। तो तमे तमारा रेशन कार्ड ने आधार कार्ड साथे 30 जून 2022 सुधीमां लिंक छे ए करावी शकशो मित्रों। त्यार पछीनी अपडेट पर जाइए तो पान कार्ड ने आधार कार्ड साथे लिंक करवानी जे तारीख हती एनी अंदर पण 1 वर्षनो वधारो करवामां आव्यो छे, परंतु अत्यार सुधी फ्री में तमे पान कार्ड ने आधार कार्ड साथे लिंक करावी शकता हता, परंतु हवे तमारे चार्ज छे ए चूकवो पड़शे एटले के दंड भरवो पड़शे मित्रों। 1 एप्रिल 2022 थी लई अने 30 जून 2022 वच्चे तमारे पान कार्ड ने आधार कार्ड साथे लिंक करावो होय तो 500 रुपया आपवा पड़शे अने त्यार पछीनुं जे वर्ष हशे एटले के 30 जून 2022 पछी तमारे 1000 रुपयानो चार्ज छे ए चूकवो पड़शे। तो मित्रों तमे तमारा पान कार्ड ने आधार कार्ड साथे लिंक करावा मांगो छो तो अत्यारे कराई देजो, 500 रुपया चार्ज छे, त्यार पछी 1000 रुपया थई शके छे। त्यार पछीनी अपडेट पर जाइए तो मित्रों पीएम किसान योजना अंतर्गत ई केवायसी करावू छे ए पण फरजियात केन्द्र सरकारे कर्यु हतुं अने एनी छेल्ली तारीख 31 मार्च हती, जेनी अंदर छे ए वधारो करवामां आव्यो हतो अने 22 मे 2022 करवामां आवी हती। त्यार पछी फरीथी एनी अंदर वधारो करवामां आव्यो छे अने अत्यारे छेल्ली तारीख 31 मे 2022 करवामां आवी। तमे कॉमन सर्विस सेंटर पर जाइने ई केवायसी छे ए मित्रों बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट थी करावी शको छो मित्रों। त्यार पछीनी अपडेट पर जाइए तो खेडूतोनो देव माफ थशे, व्याज माफ थशे, लोन माफ थशे ए बाबते एक कृषि बैठकनी अंदर कृषि मंत्री ने प्रश्न पूछवामां आव्यो हतो। तो मित्रों सोशल मीडियाना माध्यमथी मळती माहिती अनुसार कृषि मंत्रीए आડકતરી રીતે જવાબ આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ખેડૂતોને પાક ધિરાણની અંદર રાહત આપવામાં આવે છે, એટલે કે 4% વ્યાજ છે એ ગુજરાત સરકાર આપે છે અને 3% છે એ કેન્દ્ર સરકાર આપે છે। આવી રીતે 0% લેખે ખેડૂતોને પાક ધિરાણ છે એ મળે છે અને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડની અંદર પણ સરકાર 3% છે એ વ્યાજ માફ કરે છે। તો આવી રીતે ખેડૂતોની પડખે છે એ સરકાર ઊભી રહે છે, એટલે મિત્રો ડાયરેક્ટ છે એ વ્યાજ માફ કરવામાં નહીં આવે તેવો જવાબ તેમણે આપ્યો હતો, પરંતુ આપદા સમયે ખેડૂતોની પડખે છે એ સરકાર ઊભી રહેશે એવી માહિતી ગુજરાતના કૃષિમંત્રીએ ખેડૂત દેવા માફને લઈને, વ્યાજ માફને લઈને, લોન માફને લઈને આપી હતી। તો મિત્રો આ માહિતી ગુજરાતના દરેક વ્યક્તિઓ જાણી શકે એટલા માટે આ વિડીયોને બને એટલો શેર કરો તમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર, ફેસબુક ગ્રુપની અંદર, ખેડૂતોના ગ્રુપની અંદર અને આવી વધારે માહિતી માટે હિસ્સુ યુટ્યુબ ચેનલ સાથે જોડાઈ જાઓ। આવજો, આભાર।